अब यहाँ से अपन मुड़ते हैं, ये रेलवे स्कूल वाला एरिया, ये जो है डी केबिन की तरफ जाता है ये वाला रोड। अब ये मैं कॉलोनी भी घुमाऊंगा आप लोग को बाद में, तीन स्ट्रीट है उसको भी घुमाऊंगा, पहले मैं डी केबिन की तरफ जाके आ जाता हूँ। अच्छा, चरोदा का ये रेलवे स्कूल का एक और एंट्री गेट है, ज़रा देख लीजिए, शायद ये पीछे वाला, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। गेट खुला नहीं है, खुला रहता तो मैं दिखाता, ताला लगा हुआ है। यहाँ से फुट, ये जो रेलवे स्कूल के पीछे का ये ग्राउंड है ये वाला पूरा, तो ग्राउंड का भी नज़ारा आप देख लीजिए। काफ़ी डी केबिन की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। चरोदा का जो लाइफ लाइन हुआ करते थे, चार स्टेशन हुआ करते थे आज से 10-15 साल पहले, अभी भी है लेकिन उस समय ज़्यादा उसका बहुत महत्व था। अभी तो खैर लोगों के पास स्कूटर कार ये सब रहता है तो लोग अपना फटाफट चले जाते हैं, स्टेशन की तरफ नहीं आते, नहीं तो ये जो चार स्टेशन थे ये चरोदा का बिल्कुल लैंडमार्क हुआ करता था। तो वो चार स्टेशन से जो मैंने पहला ब्लॉग डाला था चरोदा का पार्ट वन, उसमें मैंने एच केबिन दिखाया था आपको। अब ये जो है ये चरोदा का दूसरा स्टेशन अपन आ गए हैं, जोन टू के पास जो स्टेशन है वो अपन आ गए, डाउन लाइन है ये वाला। तो जैसा जिसको भी रायपुर जाना रहता था तो वो डी केबिन में आके अपना यहाँ से अपना ट्रेन चढ़ता था रायपुर जाने के लिए। तो केबिन के पास का भी व्यू दिखा देता हूँ। तो ये स्टेशन को तो शायद सभी लोग अच्छे से पहचानते भी होंगे, ये है डी केबिन। अभी यहाँ पर जो है अंडरब्रिज भी बन रहा है आगे चल के, ये जो लेवल क्रॉसिंग, एक्चुअली मैंने पहले भी बताया था लेवल क्रॉसिंग जो है वो पूरा एक गाइडलाइंस आया हुआ है जिसमें कोई भी लेवल क्रॉसिंग रहेगा नहीं, तो उसी के तहत ये जो है अंडरब्रिज यहाँ पर एक चालू भी हो गया वाला। तो जो सामने आपको लेवल क्रॉसिंग दिख रहा था वो बंद हो जाएगा, और इसको अच्छा टर्निंग लिया गया है चूँकि स्ट्रेट स्पेस नहीं मिला है इसलिए कि अच्छा स्पेस दिए पूरा, ये पूरा यहाँ से अंडरब्रिज चालू है और पीछे घूम के उस तरफ अपना निकलेगा ये वाला। अब इसका काम जो है वो फुल प्रगति पे है बिल्कुल। ये डी केबिन के पास भी एक ये अंडरब्रिज बन रहा है ये वाला, तो इसका काम भी एकदम बिल्कुल युद्ध स्तर पर जारी है। और ये अंडरब्रिज जब बन जाएगा तो उसके बाद ये जो सामने वाला जो लेवल क्रॉसिंग है ये बंद हो जाएगा अंडरब्रिज बनने से। अच्छा, डी केबिन के रास्ते में एक रेलवे सुरक्षा बल का बैरक भी है, जैसा जो स्टाफ हैं जिनका क्वार्टर वाटर जो नहीं लिए हैं तो वो यहाँ बैरक में रहते हैं, खाना पीना वगैरह सब अवेलेबल रहता है। और रास्ता इस प्रकार का है बैरक का, देखिए बिल्कुल एकदम, इसको तो बहुत बहुत कम लोग जानते होंगे बैरक को, ये बैरक का रास्ता देख लीजिए। लड़के उड़के लोग जानते थे, लड़के उड़के लोग जब जाते, बाकी फैमिली मेम्बर्स वगैरह क्या इस तरफ आना नहीं होता किसी का, तो वो लोग बैरक नहीं जानते कि बैरक इधर है क्या करके। लेकिन रेलवे ये मेन जो अपना जो रोड है उसे काफ़ी अंदर है बैरक एकदम बिल्कुल। ये देखिए चल भी रहा हूँ मैं भी, देखिए चल रहा हूँ तो इतना दूर मेरे को नजर आ रहा है बैरक। यहाँ हर पर स्टाफ अपना रहता है बढ़िया उनका, और चूँकि उन का ड्यूटी भी ड्यूटी आवर्स भी टफ रहता है तो बैरक की सुविधा उनको दिया जाता है ना। तो ये इस प्रकार है बैरक जाने का रास्ता, वो लास्ट में वहाँ पर बैरक है। हरा भरा वातावरण है बिल्कुल एकदम, स्टेशन जाने का रास्ता जो है डी के बिन का, हरियाली बहुत अच्छा होता है बिल्कुल, पेड़ पौधे बिल्कुल बड़े बड़े हो चुके हैं, बिल्कुल हरियाली है। शाम के टाइम टहलने में बड़ा आनंद भी आता है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा बहती है। अब ये मैं डी केबिन स्टेशन तरफ से जो पहला ट्रैक जो कॉलोनी है ये हमारे गोविंद भाई का कॉलोनी है, तो मैं अब इस कॉलोनी में एंट्री लेता हूँ। यहाँ पर यहाँ देखिए क्वार्टर सब है, टाइप टू क्वार्टर है, कुछ बंद है कुछ चालू है। तो गोविंद भाई ने मुझे बोला था कि जब मेरे कॉलोनी में आओगे तो ब्लॉग बनाने मेरे को बताना, लेकिन मैं और आप सडन निकला हूँ, अगर वो सामने दिख जाएंगे तो मैं उनको बुला लूँगा, अदरवाइज निकल जाऊँगा। तो ये हमारे जो गोविंद राव जी हैं जो फाइनेंस रायपुर में काम करते हैं, ये उनका स्ट्रीट है ज़्यादा। पाजी D है मैं गोविंद घर, लेकिन शायद वो नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सब झोपड़ी मोहल्ला भी है, इधर रास्ता बंद है लास्ट है यार। कुछ टेंट हाउस का सामान रखा हुआ लगता है किसका पता नहीं,
अब ये जो है सेकंड स्ट्रीट है ये वाला, ये एक मौर्य भैया हुआ करते थे बहुत पहले, मौर्य भैया जो थे पहले, उनके साथ उनके उस जमाने उनके पास राजदूत या बुलेट थी, बाद में बिलासपुर वगैरह चले गए। ये उनका कॉलोनी है, मतलब पीपल झाड़ वाला कॉलोनी बोलते हैं इसको। तो जो पुराने लोग देख लीजिए भाई, अगर आप इस मोहल्ले में रहते होंगे तो बिल्कुल आपकी यादें जुड़ी हुई है। ये रेलवे स्कूल के बिल्कुल पीछे वाला एरिया पीपल झाड़ वाला, ये पीपल का झाड़ है बहुत बड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में, तीसरा लाइन जो है स्टेशन के पास वाला, महिला समिति की तरफ जाने वाला रोड है ये वाला। तो देख लीजिए अभी हम महिला समिति की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस जगह की खासियत आपको बताता हूँ, ये बहुत फेमस जगह है, बहुत साल से जो है यहाँ पर धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। और ये जो ग्राउंड है यहाँ, इस ग्राउंड को देखिए, अगर पुराने लोग सभी देखते होंगे, यहाँ बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा हुआ करते थे, रायपुर संगीत समिति, ठक्कर ऑर्केस्ट्रा नागपुर से, रायपुर संगीत समिति, उस समय कमला राठौर जो है बहुत ही फेमस सिंगर थी, वो गाना गाने आती थी और काफ़ी लोग उसको पसंद भी करती थी उसकी गाती, तो कमला राठौर को लोग ज़रूर जानते होंगे। और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे ऑर्केस्ट्रा हुए भाई यहाँ पर, तो ये एक प्रकार का पंडाल भी था और ऑर्केस्ट्रा ग्राउंड भी कहलाता था ये वाला। यहाँ पर दो मंदिर है महिला समिति में, शिव भगवान का मंदिर है और माता रानी का मंदिर है वाला। तो दोनों मंदिर का एक व्यू ऐसा मैं दूर से भी दिखा देता हूँ जाके। ये माता रानी का मंदिर है वाला, है ना, जोनटू का महिला समिति, और इसके बगल में यहाँ पर शिव भगवान का मंदिर है वाला। तो बिल्कुल श्रद्धा से लोग पूजा करने के लिए आते हैं यहाँ पर, और नवरात्र भी बड़ी धूमधाम से माना जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अच्छा अच्छा ऑर्केस्ट्रा भी हुआ है यहाँ पर, तो वो भी लोगों की यादें हैं बिल्कुल, ये स्टेज है बिल्कुल। तो विनय भैया, विन्नू भाई, देख लीजिए आपने बोला था जोनटू जाके दिखाने के लिए। तो अब अपन आगे बढ़ते, यहाँ पर जोनटू में एक ठो अच्छा से गार्डन भी बना दिया गया है नगर पालिका की तरफ से, तो लोग आके अपना एक्सरसाइज वगैरह सब करते हैं बढ़िया यहाँ पर, फर्स्ट क्लास है। तो बच्चे लोग अभी कुछ खेल उल भी रहे हैं लोग बढ़िया, ये भी अच्छा है जोनटू का। रेलवे कॉलोनी का वातावरण एकदम चहल पहल भी रहता है, बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास। इसी के साथ मैं अपना पांचवा व्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा है आप सभी को व्लॉग बहुत पसंद आ रहे होंगे। किसी का अगर कोई स्पेशल कमेंट हो तो ज़रूर करिए, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा।